जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, आईसीयू में है, उनके गुर्दों का इन्फेक्शन हुआ, वो डायलिसिस पर है, वो डायलिसिस हो चुका है, बस वो आईसीयू के अंदर हैं इस वक्त मौजूद। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। भाई ने एक दुआ के लिए कहा है, दुआ के लिए है ना, उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो उनके गुर्दों के डायलिसिस हो रहे हैं, तो वो दुआ के लिए कहना चाह रहे थे। एक्चुअल बाप है ना परेशान है, मैं यहाँ पर एक पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि हमारा मुस्लिम मुआशरा, हमारा पाकिस्तानी मुआशरा क्या है। बेटा अपने बाप के लिए कितना परेशान है, अल्लाह परेशानी के आलम, उससे बात भी नहीं हो रही, बाप बीमार है और बेटा परेशान है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर यही माहौल है कि बेटा अपने बाप की बीमारी से परेशान होता है, अपने बाप की परेशानी में बेटा भी परेशान होता है, और बाप भी अपनी औलाद की परेशानी में परेशान रहता है। वालदैन तो रहते ही हैं ना, लेकिन औलादें अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला के करम से, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका हमारे मुसलमान मुआशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला की रहमत से बेटी अपनी माँ की बीमारी की वजह से बहुत परेशान होती है, हत्ता के बहू अपनी सास की परेशानी की वजह से भी बड़ी परेशान होती है, हत्ता के बहू अपने सुसर की बीमारी की वजह से भी बड़ी परेशान होती है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का और पाकिस्तान का ये मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालदैन के लिए, बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस भाई ने छोटा सा पैगाम देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बात समझा दी कि देखो मुसलमानों के बच्चों, अपने बाप की परेशानी में बराबर के शरीक हुआ करो। जब बीमार वालिद को कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए दुआ किया करो, लोगों से भी दुआ करवाया करो। इंशाल्लाह हम इस भाई के वालिद मोहतरम के लिए, जितने लोग भी इस वक्त दुआ सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है इस बच्चे के वालिद के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद मोहतरम को अपनी रहमत पाक सदका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अपने बच्चों में खुशियों से रहना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।